मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, दो दिन पहले मैंने आप एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था, आपने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बात की थी कलाकारों की, कि कैसे कैसे कलाकार है और किस तरह की कलाकारी हमारे आसपास मौजूद है। एक बार फिर से आज मैं वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव के इस ग्राउंड पर हूँ, कला विभाग में, और हमारे साथ जो कलाकृति मैंने आपको दिखाई थी उसको बनाने वाले खुद हैं। तो अभी मैं पूरी तरह से बातचीत करूँगा, आपको कैमरे पर बातचीत दिखाऊंगा उनकी। पहले परिचय देता हूँ, ये हमारे साथ प्रवीण भोईर जी है। ये प्रवीण भोईर जी है, आपने देखा है जो मेरे पहले का वीडियो, और अभी मैं फिर से आप वीडियो में देख सकते हैं। सरफराज खान जो क्रिकेटर आए थे यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर, उनकी कलाकृति इन्होंने अपने हाथ से बनाई है। और यही नहीं, ये जूचंद्र नायगांव में एक एकेडमी चलाते हैं जहाँ इनके ऐसे स्टूडेंट हैं वो कई तरह की कलाकृति बनाते हैं। इनके दो स्टूडेंट यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। एक स्टूडेंट ये बच्चा है, ये 9th क्लास में पढ़ता है, लेकिन इन्होंने साईं बाबा की कलाकृति बनाई है ऊपर की तरफ, जिसमें इनको 2nd प्राइज़ भी मिला है। ये मैडम है, इन्होंने 3D पेंटिंग बनाई है, इनको भी प्राइज़ मिला है। तो सीधे बात करते हैं, प्रवीण जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आपकी जो ये एकेडमी है? वसई कला क्रीड़ा महोत्सव आता चालू उत्तर है, आणि त्यामध्ये आम्हाला मोदगेकर सरांनी आमच्या जुचंद्र गावात, जुचंद्र हे कलेचे माहेरघर ओळखले जाते, ह्या जुचंद्र गावात इथले सर आहेत शंकर मोदगेकर सर, ह्यांनी आम्हाला रांगोळीचा डेमो दाखवला। डेमो दाखवल्यानंतर आम्ही दरवर्षी रांगोळी काढायला लागलो। आता ही आमचे माझा मुलगा इथे 2nd प्राइज़ मिळालेला आहे, ही आता आमच्या गावातली ही 4थी पिढी ही रांगोळीमध्ये प्रवेश करत आहेत। किती वर्ष झाले तुम्ही हा रांगोळी करताना? हे आता 32-33 वर्ष झाले मी इथे रांगोळी करतोय, म्हणजे आमच्या जुचंद्र गावामध्ये, आणि भरपूर ठिकाणी रांगोळी प्राईज घेतलेलं आहे, स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन प्राईज मिळवलेले आहेत। आता पाहुणे कलाकार, आता इथे मी सरफराज खानची रांगोळी टाकलेली आहे, एक वर्षी सचिन तेंडुलकर यांची रांगोळी टाकलेली, दरवर्षी आम्हाला जी रांगोळी देतात ती वसई कला क्रीडामध्ये आम्ही तिथे रांगोळी टाकतो। सरफराज खान नवीन चेहरा, हां नवीन, हां लगेच त्यांची बनवली कसा? आम्हाला सरांनी जे पोर्ट्रेट देतात की तुला ही रांगोळी करायची आहे, प्रत्येकाला प्रत्येक पोर्ट्रेट वाटून दिलेले असते, म्हणजे प्रत्येक चित्र दिलेलं असतं, प्रत्येकाने आपली मेहनत करून तिथे काढण्याचा प्रयत्न करतात। आणि मला सरफराज खानची रांगोळी दिल्याबद्दल मला ते अभिमान आहे की नवीन उपदा कलाकार क्रिकेटपटू आज माझ्या हातून त्यांची रांगोळी घडते, आणि ज्या दिवशी ते आलेले त्या दिवशी मी नव्हतो, आणि माझ्या सोबत त्यांचा देखील फोटो असता, जर बरं वाटलं असतं मला त्यांना भेटलं असतं तर, पण माझं नशीब तेवढं नव्हतं म्हणून त्यांना मी भेटू शकलो नाही। अभी बात करते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? साई प्रवीण। साई प्रवीण आपका मेरा लड़का? अच्छा, ओके। ये साई प्रवीण भोईर इनके स्टूडेंट नहीं बल्कि इनके सुपुत्र है। साई, आपने साई का तस्वीर बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको प्राइज भी मिला है, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पे प्राइज जीता है बताइए हमको? काफी बहुत जगह पे मारा है। अभी शरद पवार जी, हाँ, शरद पवार का भी ड्राइंग निकाला था, उसमें 2000 ड्राइंग में प्रथम क्रमांक मिला था। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय जितचंद्र, और 9th क्लास में पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभेच्छा आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत। आप खूबसूरत जिस तरह से रंगोली बनाते हैं, आपका भविष्य कहीं ज़्यादा खूबसूरत उससे हो। मैडम आपका नाम? अक्षता विजय पाटिल। आपने 3D पेंटिंग बनाया है, हमने देखा है, ठीक है, वो 3D पेंटिंग आपने कहाँ से सीखा? मैंने बहुत जुचंदर गांव के जो सब है उनको मैंने 3D पेंटिंग बनाते देखा है, उनसे मैंने सीखा है। अभी आपको प्राइज मिला है, कैसा फील हो रहा है? खूब चांगला वाटते, 3rd प्राइज भेटल। दर वर्षी हे संधी देतात आम्हाला कलाकारांना वेगवेगळे कॉम्पिटिशनमध्ये रांगोळी काढायचे, पेंटिंग्स काढायचे, आनंद होते त्या गोष्टीबद्दल। इसके पहले भी आपने कभी इस तरह का रंगोली बनाया? हाँ, मी 4 वर्ष झालं रांगोळी मध्ये आहे, मला महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार पण आहे। वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी नई पीढ़ी है,
जो कि सारा दिन मोबाइल में रहते हैं, उनके लिए आप क्या एक यंग है तो क्या मैसेज देना चाहिए? मोबाइल अतिरिक्त जे स्पोर्ट्स आहेत किंवा कला विभाग आहे त्याच्यामध्ये पेरेंट्स लोकांनी मुलांना प्रोत्साहन द्यावं, सपोर्ट करावा की मुलांना मोबाईल अलावा रांगोलीमध्ये किंवा पेंटिंग्समध्ये त्यांना मुलांना प्रोत्साहन करावं, त्यांना त्यात टाकावं, ज्या कलेमध्ये त्या मुलांना आवड आहे त्याच्यामध्ये त्यांना भाग घेण्याची संधी द्यावी. ओके, थँक्यू. कुठून आले ते पण विचारा. आंटी, क्या नाम आपका? सावित्री. कहाँ से आए? वसई से. आप यहाँ कलाकड़ा रंगोली देखना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? खूब चाल है. क्या कहना चाहेंगे इन आर्टिस्ट के बारे में? रांगोळी खूप चांगली काढली आहे. चांगली बनले ना, खूप छान आहे. खूप चांगली काढलेली आहे आणि खूप रिअलिस्टिक आहे. आणि स्पेशली जो रूम नंबर खोली नंबर 3 आणि 2 आहे त्याच्यामधल्या रांगोळी अप्रतिम आहेत. तर स्पेशली 3-डायमेन्शनल इफेक्ट आणि एक तर म्हणजे जी पर्स आहे ती पर्स असं वाटतं की तिथे खाली ठेवलेली आहे, पण ती रांगोळी आहे ते त्याच्यावर विश्वास बसत नाही. इतकी सुंदर रांगोळी आहे, फारच सुंदर, अतिशय खूप आनंद झाला. छोटी माळ तर खरी खरी वाटत. My name is Ashwin Shinde. Where from you? I'm from California. California, USA? Yep. What do you feel? From this? This is, I've done rangori my whole life with my mom. I've never seen any rangori like this. This is like one of the most amazing, it's blown my mind. Yeah. This art is very genial. Other than Vasai, is it possible? Like this? I don't think so. I've never seen anything like this before. So my mom is here too. I'm going to talk to her after. She's an artist. And I guarantee you neither of us have seen anything like this. What to say for encouragement of that artist? I mean, keep going. Like, this is something that when I go back home, I'm going to show all of my friends. And so, it's changed my idea and perception of what rangoli is and what I can do with it. So, just keep continuing to push like this. Yeah. This is the time of IT, information technology. Every person doing always see it in mobile. No other work, no other. In this period, this type of art, how going this far? Yeah, I mean, I personally use art as a way to take a break from what I do in my day job. And I think everybody needs some sort of creative outlet, because if your mind is so focused on one thing, you're not going to experience all the other beauties of life. And that's what art does, right? You can appreciate life and the things around you. Thank you. Yeah, thank you. It's great to meet you. Sachin. Sachin sir, aap abhi kalakada mein yahan rangoli dekhne aaye. Ji. Ye dekh ke aapko kya feel hua aur kis tarah se mehsoos ho raha hai? Main matlab mere paas shabd nahi hai. Main ekdam shant ho gaya dekh ke ki ye kya hai. Mujhe to pehle laga ki print out nikal ke rakha hua hai. But jab aap gaur se dekhte ho to pata chalta hai ki wo kuch matlab रंगोली है. मतलब थोड़ा देर तो आपको यकीन करने में लगता है कि ये रंगोली है, फिर आप जब गौर से देखते हो तो पता चलता है इतना खूबसूरत काम किया है. और मुझे अभी पता चला है जी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी उम्र, छोटी उम्र के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं. बहुत खूबसूरत. सबसे बड़ी बात ये मेरे को ऐसा महसूस होता है जी कि ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं, हमारे ही तालुका के हमारे ही लोग. बिल्कुल बिल्कुल. और इतना प्रतिभा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है. और मैं चाहता हूँ कि वसई वाले जितने भी लोग यहाँ आ सकते हैं आसानी से, वो यहाँ तक आए और इसे देखे और इनको सराहे, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले, आगे चल के कुछ हो. हमारे वसई का नाम देखिए कितना आगे जा सकता है इसके वजह से. थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे वसई में ही इतना टैलेंट भरा हुआ है लोगों में कि बाहर भी ये स्प्रेड होना चाहिए और यहाँ आके लोगों ने सीखना चाहिए और इनको और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए वसई के लोगों को, स्पेशली जूचंद्र के लोगों को जो कलाकार है. सर आपका नाम? मेरा नाम जद्दी शेट्टी. मैं एक होटेलियर है और माजी उपनगर अध्यक्ष वसई नगर पालिका का है. और मैं पहले बरस से ये कलाकड़ा महोत्सव का विटनेस है. और मैंने पहले बरस से आज तक मैं जो भी बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट होता है उधर मैं रहता हूँ. लेकिन रंगोली के देखने के बाद अभी गए 10 बरस,
जो भी रंगोली निकाल के उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं इधर आता हूँ। अभी जो गणेश सालियान स्नेहा ये जो गेस्ट आर्टिस्ट है उन्होंने जो ये दी तो उनको मैं कॉन्टैक्ट करके आज इनको भी मैं हो सके उतना प्रसिद्धि देने का प्रयत्न करता हूँ। स्वाति जैन, आप क्या कह रहे थे, आपको कैसा अनुभव, आपको सबसे अच्छा तस्वीर कौन सा, रंगोली कौन सा लगा, सबसे अच्छा पेंटिंग कौन सा लगा? मुझे सबसे अच्छा अंदर जो कृष्णा का रंगोली बना हुआ है वो लगा, बहुत अच्छा है। आपका नाम? नाम मेरा सचिन शेड़गे। सचिन सर, कलाकड़ा महोत्सव में आप आए हैं, यहाँ पे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है? ये कला क्रीड़ा महोत्सव जो है वसई का वो सबसे बड़ा महोत्सव, और इसमें जो रंगोली निकाला है वो बहुत अप्रतिम और सुंदर है, खूबेखूब निकाला है, एकदम बोलने जैसे नहीं, एक बहुत सुंदर है। ये लोग कहाँ के हैं? ये सब भी जो वसई दुनिया का है। कौन कौन ये बनाने वाले? ये बनाने वाले सब यहाँ के वसई तालुका के हैं, सब जुटाने वाले हैं। ये बड़ी बात है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं। हाँ, हमारे बीच ऐसे लोग ये सब इतना सब कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं रंगोली, जैसा लगता है कि वो पिक्चर निकाला है लेकिन वो है रंगोली, एक दिखता है ऐसा पेंटिंग किया है कि ऐसा निकाला है, वो जबरदस्त है। थैंक यू। ओके सर, आपका नाम? जॉन। जॉन सर, क्या कहना चाहेंगे रंगोली में आप आए कल? रंगोली के ऊपर जो एक्सपीरियंस है जो बहुत भारी है, उसका फेसिंग फिनिशिंग एकदम नेचुरल लगता है, सब इतना ब्यूटीफुल बनाना है, एकदम सॉलिड है एकदम। आपको मालूम है अपने वसई के ही लोग हैं? हाँ मालूम है, नायगांव वसई। काफ़ी एक आत्मसम्मान हमारे लिए गौरव की बात है। सवाल ही नहीं है, इतना अच्छा आर्ट है, इसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी प्रवीण भोयर जी से, इनके स्टूडेंट से, और किस तरह से इन्होंने अपनी कलाकृति के बारे में जानकारी दी। ये काफ़ी महारत इनको हासिल है, इनके स्टूडेंट को महारत हासिल है, कई प्राइज ये लोग जीत चुके हैं, और यहाँ नमूना अब ये है हमारे वसई के, वसई तालुका के। हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये है कि हमको कहीं इनको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ही धरती पर यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जहाँ ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के उपयोग में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, वैसे में इनके जैसे लोग आज भी है जो इस तरह से कला को जीवंत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ कला नहीं एक इंसानियत को जीवंत कर रहे हैं, क्योंकि ये कला है एक तरह से। इस कला के क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, आर्ट एंड क्राफ्ट में अलग अलग तरह की अलग अलग कलाएँ होती है, तो उसमें अपना करियर तक बना सकते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं लोगों को सीखना चाहिए। और ख़ास कर ये वीडियो देखने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर में भी जो आपके बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनको कुछ अलग करने के लिए आप इस तरह से प्रोत्साहित कीजिए, ऐसे जगहों पर लाइए, उनको दिखाइए और उनको ये बताइए कि हमारे ही बीच के लोगों ने ये बनाया है, ये लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आए, हमारी ही दुनिया के हमारे ही लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, और मुलाकात करते रहेंगे। वसई तालुका कला क्रीड़ा इस समय जारी है, 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, मिलते हैं इसके बाद और भी आगे के चरणों में। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।